दोस्तों, टैक्स और वेल्थ में आपका स्वागत है। मैं हिमांशु कुमार। जैसा कि कल की शुरुआत भी अच्छी नहीं थी, आज की भी शुरुआत कुछ अच्छी नहीं है। आज हमारे जो महानायक एक ऋषि कपूर जी थे, आज उनका देहांत हो गया। एक बहुत ही दुखद समाचार है। हमारे काफ़ी चहेते और उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में बहुत नाम कमाया, दुनिया में नाम कमाया। इंडिया के लिए कह सकते हैं कि एक बहुत बड़े फिल्मी अदाकार थे, जिन्होंने इंडिया का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। और ये एक सबके लिए एक दुखद समाचार है, लेकिन वही है कि सबको एक श्रद्धांजलि देने की ज़रूरत है। हम भी दे रहे हैं और हम आपसे भी उम्मीद करते हैं कि एक अच्छी विदाई उन्हें मिले। जहाँ की कोविड में जो प्रॉब्लम है, कह सकते हैं कि उनके परिवार के लिए भी बहुत तरह की प्रॉब्लम हो सकती है और वो भी फेस कर रहे हैं। हम भगवान से कामना करते हैं कि उनके परिवार को एक बहुत मजबूत स्थिति में रखें, मनोबल को बढ़ाएँ और इस तरह की प्रॉब्लम से वो लड़ पाएँ। अब आगे बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। आज का मार्केट पता नहीं क्या रहा, कैसे रहा, लेकिन बहुत अच्छा रहा। जो भी रहा, मार्केट काफ़ी ऊंचा रहा। निफ्टी 997 पॉइंट, बहुत दिनों बाद निफ्टी नहीं, सेंसेक्स 997 पॉइंट ऊपर रहा। निफ्टी 306 पॉइंट ऊपर रहा, यानी आप कह सकते हैं कि दोनों में काफ़ी उछाल हुआ, काफ़ी स्टॉकों में रैली रही। सब के सब ग्रीन बैरियर तोड़ते हुए आगे बढ़ते रहे, कुछ शेयर को छोड़ के। लेकिन एक अच्छी खासी मूवमेंट देखी गई शेयर में, काफ़ी स्टॉक में उछाल देखा गया। फार्मा सेक्टर में देखा गया, ऑटो सेक्टर में देखा गया, हर जगह उछाल दिखी। बैंकिंग में भी अच्छी खासी उछाल थी। तो एक कह सकते हैं कि बहुत दिनों बाद मार्केट में एक अच्छी खुशहाली दिखी, जिसकी हमें ज़रूरत भी थी। कितना रहता है ये पता नहीं हमें, क्योंकि हम रिसर्च एनालिसिस्ट नहीं हैं। आगे बढ़ते हैं। इधर रिलायंस का एक अपडेट भी आया है कि रिलायंस ने कहा है कि वो भी अब सैलरी कट करेंगे। साथ के साथ ये भी कहा कि जो अंबानी हैं उनकी भी सैलरी अब जितनी भी है वो फॉरगो कर रहे हैं, वो ले नहीं रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से बड़ी बड़ी कंपनी में इस तरह का इम्पैक्ट दिख रहा है। एक बहुत बड़ी कंपनी सेल, उन्होंने इस साल डिविडेंड नहीं देने का डिक्लेरेशन दिया है, इस अनाउंसमेंट किया है। वर्ल्ड वार टू के बाद पहली बार है कि वो कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी त्रासदी हम झेल रहे हैं कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनी, जो कि कितने सालों से मार्केट में अपने वर्चस्व को बनाए हुए हैं, आज वो भी हिले हुए हैं। तो इस कोरोना वायरस ने हमारी पूरी इकोनॉमी को ग्लोबली आप कह सकते हैं कि हिला रखा है। खैर, इधर सॉफ्ट बैंक से फिर बुरी खबर है। सॉफ्ट बैंक ने कहा कि 6.6 बिलियन जो उन्होंने वीवर्क में लगाया हुआ था, उसको वो राइट ऑफ कर रहे हैं। आप कह सकते हैं कि राइट डाउन कर रहे हैं, यानी कि ये मान रहे हैं कि वीवर्क की स्थिति अच्छी नहीं है और ये पैसा 6.6 बिलियन यूएसडी गया। यानी कि सॉफ्ट बैंक का जो विजन फंड था, उसमें बहुत बड़ा एक कह सकते हैं छेद, बहुत बड़ा होल है, जिससे कि सॉफ्ट बैंक के विजन पे जो विजन फंड था उस पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। इधर टाटा सन्स ने कहा है कि उनकी पूरी ग्रुप कंपनी में बहुत तरह की प्रॉब्लम चल रही है ड्यू टू कोरोना वायरस, तो वो 5 फर्म में कैपिटल इन्फ्यूज करने वाले हैं ताकि इस महामारी से, इस प्रॉब्लम से उनकी कंपनी लड़ सके और अच्छी स्थिति में रहे, किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं हो। इधर राजस्थान गवर्नमेंट ने कहा है कि वो एक्साइज ड्यूटी लीकर पे बढ़ाना चाहते हैं, बढ़ाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि उनका मानना है कि उनकी फाइनेंशियल हालत ठीक नहीं है, इसकी वजह से लीकर पे एक्साइज ड्यूटी बढ़ा रहे हैं। यानी कि जो कहते हैं ना, जो पीने वाले हैं और पिलाने वाले, दोनों की पॉकेट पे अब इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है। खैर, इधर एक अच्छी चीज़ है कि स्पाइस जेट ने कहा है कि अप्रैल की कुछ सैलरी, उन्होंने परसेंटेज तो नहीं कहा कि कुछ सैलरी हम अप्रैल मंथ का देंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम, लेकिन मोस्ट ऑफ द देम, यानी ये भी नहीं कहा कि किसे, लेकिन कहा कि ओवरऑल हम सबको देंगे। कितना देंगे ये उन्होंने डिक्लेरेशन नहीं था, लेकिन कहा कि कुछ ना कुछ पेमेंट करेंगे। इधर RBI ने बैंकों को कहा है कि आप कंप्लायंस के लिए थोड़ा टाइम ले लीजिए, घबराइए नहीं, इस पहले प्रॉब्लम से निपट के उसके बाद आप अपना कंप्लायंसेस पूरा करें। यानी कि उन्हें थोड़ी सी राहत दी गई है कंप्लायंसेस को पूरा करने के लिए, एक अच्छी पहल है। TikTok, जिसको लेकर सबको पता है कि TikTok एक आज के में सबसे फेमस ऐप है, उसके लिए अलग अलग तरह की थ्योरी है, अलग तरह की कहानियाँ हैं। खैर, TikTok ने 2 बिलियन सब्सक्राइबर डाउनलोड हो गए, यानी कि एक बहुत बड़ी उछाल है। और एक लास्ट क्वार्टर में उन्होंने काफ़ी अच्छा उछाल किया, और ये जो 2 बिलियन डाउनलोड है एंड्रॉयड और iOS को मिलाकर है।
ऐसा नहीं है कि एक ही जगह, बट ओवरऑल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। इधर एडीबी ने 346 मिलियन यूएसडी महाराष्ट्र के रूरल एरिया में जो पावर सेक्टर की कंपनी है उनको देने का अनाउंसमेंट किया है, ताकि वो कि कोरोना वायरस की वजह से जो वहाँ पे प्रॉब्लम दिख रही है पावर सेक्टर में, उसको बैक कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि एक बहुत अच्छी बात है कि डिफरेंट टाइप की ऑर्गेनाइजेशन और डिफरेंट तरह के ग्रुप अलग अलग तरह से अलग अलग बिजनेस को एक तरह से कह सकते हैं सपोर्ट कर रहे हैं, ताकि वो सर्वाइव कर पाएँ और आज के जो इस प्रॉब्लम है उससे लड़ पाएँ। इसी बीच में कहा जा रहा है कि रेस्टोरेंट की हालत ठीक नहीं है, 10 में 4 रेस्टोरेंट को इस लॉकडाउन की प्रॉब्लम को झेलना पड़ेगा और हो सकता है कि 10 में 4 शटडाउन हो जाए। यानी एक ये भी सेक्टर बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट इसको किस तरह से रिवाइव करने की कोशिश करती है, किस तरह की बेनिफिट देने की कोशिश करती है। एक ये भी चीज़ समझने की ज़रूरत है कि गवर्नमेंट के पास इतना फंड नहीं है कि हर बात पे हर चीज़ पे सपोर्ट कर सके। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर होंगे फाइनेंशियल न्यूज़ के साथ पूरे दिन की, जो कि आपकी आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम OTTT के सारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं, गूगल प्ले स्टोर पे हैं, आप वहाँ भी डाउनलोड करके हमें देख सकते हैं। साथ के साथ आप हमारे वेबसाइट taxforwealth.com पे भी हमें देख सकते हैं। तो मैं हिमांशु कुमार विदा चाहता हूँ, थैंक यू।